हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे विजुअल बेसिक के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। देखिए, अपने पास विजुअल बेसिक डॉट नेट में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उसमें एक है इक्वल, दूसरा है नॉट इक्वल, उसी ढंग से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक तो नॉर्मल यूज है और दूसरा इफ के साथ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले नॉर्मल यूज सीख लेते हैं, फिर इफ के साथ सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने ऑलरेडी यहां पे एक प्रोजेक्ट खोल के रखा हुआ है। यहां पे टूल बॉक्स से मैं एक बटन प्लेस कर लेता हूं, ठीक है? अभी देखो यहां पे ये एक बटन आ गया। अब इसके क्लिक इवेंट में मुझे लिखना है, तो यहां इस बटन वन पे मैं डबल क्लिक करता हूं ताकि बटन वन का क्लिक इवेंट खुल जाए। अब यहां पे मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए एज इंटीजर। आप चाहो तो इंटीजर की जगह सिंगल या डबल भी यूज कर सकते हो। चलो मैंने इंटीजर ही यूज किया और मैंने यहां लिखा इक्वल्स 10, मतलब ए में मैंने असाइन कर लिया 10। सिमिलरली एक सेकेंड वेरिएबल मैंने बी डिक्लेयर किया अगेन एज इंटीजर और इसमें सपोज मैंने 15 असाइन कर लिया। ए में 10 है और बी में 15 है। अब यहां मैसेज बॉक्स डॉट शो से मैं चेक करता हूं कि क्या ए का वैल्यू इक्वल है बी के, ए का वैल्यू इक्वल है बी के वैल्यू के, और मैं सिंपल इसको चेक करता हूं। क्योंकि देखो अपने पास जो पहला ऑपरेटर है वो है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है? यहां पे मैंने अभी इफ का इस्तेमाल नहीं किया है। चलो इसको मैं रन करता हूं। अगर ए और बी का वैल्यू इक्वल होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ए में 10 है और बी में 15 है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। देखो बटन वन पे मैंने क्लिक किया, देखो फॉल्स दे रहा है ना? अगर अभी सपोज मैं थर्ड वेरिएबल ले लूं डिन सी एज इंटीजर और यहां मैं 10 रख लूं, ठीक है? अब मुझे कंपैरिजन करना है कि क्या ए का वैल्यू और सी का वैल्यू आपस में इक्वल है। तो हां भाई, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू तो आपस में इक्वल है। देखो जहां एक तरफ इसका आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि ए और बी का वैल्यू इक्वल नहीं है, वहीं ए और सी का वैल्यू चूंकि इक्वल है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। ये बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इसको किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, जैसे इफ हो गया, स्विच केस हो गया, या फिर लूपिंग स्टेटमेंट के साथ यूज कर सको। देखो पहला का आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए और बी का वैल्यू जो है ना वो अनइक्वल है, ए में 10 है और बी में 15 है, जबकि दूसरे कंपैरिजन का जो वैल्यू है ना, रिजल्ट है ना, वो ट्रू आ रहा है क्योंकि ए में भी 10 है और सी में भी 10 है, ठीक है? चलो इस थर्ड वेरिएबल को फिलहाल तो मैं हटा देता हूं। ओके, अभी मैं चेक करता हूं कि क्या ए का जो वैल्यू है और जो सी का जो वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हां, बराबर तो नहीं है क्योंकि ए में 10 है और बी में 15 है। तो आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि इसका जो आउटपुट है ना वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि जो कंडीशन मैंने लिखा है उसमें मैंने ये चेक किया है कि क्या दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल है ना। देखो पहले का तो फॉल्स पहले से आ रहा था, देखो ट्रू आ गया। इसी ढंग से आप फिर से चेक कर लेते हो कि क्या ए का वैल्यू ज्यादा या बराबर है बी के। तो देखो ए में 10 है और बी में क्या है भाई, 15 है। तो 10 ना तो ज्यादा है 15 से और ना तो बराबर है 15 के, तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। जबकि अगर हम लोग यहां पे लेस देन और इक्वल टू चेक करें तो अभी चेक हो रहा है कि क्या ए का वैल्यू जो कि 10 है वो लेस देन या इक्वल टू है बी के वैल्यू से जो कि 15 है। तो हाँ जी है, छोटा तो है
तो आउटपुट यहां पे क्या आ जाएगा, आउटपुट यहां पे आ जाएगा ट्रू। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, इक्वल नॉट इक्वल लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, है ना। और इसी ढंग से आप चाहो तो ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हो और सिंपल लेस देन का भी यूज कर सकते हो। अभी देखो टेस्ट करो, अभी आप इसको रन करा के टेस्ट करो, देखो क्या आउटपुट आता है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी आउटपुट लिख के रखा है, अभी जो आउटपुट आएगा उसे मैं मैच करा लूंगा, इससे में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपका है बेसिक लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर का। अभी देखो पहले का आउटपुट फॉल्स है क्योंकि ए और बी का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, दूसरे का जो रिजल्ट है वो ट्रू है क्योंकि नॉट इक्वल तो है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू ना तो ज्यादा है और ना तो बराबर है। उसी ढंग से देखो अगले का स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट लेस देन इक्वल टू का ट्रू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल बी का जो ग्रेटर देन बी का जो है वो फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू जो है ना 10 वो ज्यादा नहीं है बी से, जबकि ये अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ए का वैल्यू छोटा है बी से, तो बिल्कुल है, 10 तो छोटा है 15 से। तो यहां पे हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल वे में सीख लिया, लेकिन अब चलो यहां पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं। दो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, अब हम लोग ऐसा करते हैं ए इक्वल्स, चलो सीआईएमटी का ही यूज कर लेते हैं, इनपुट बॉक्स इंटर फर्स्ट इंटीजर, ए में असाइन हो गया पहला वाला इंटीजर जो भी इनपुट लेंगे, और सेकेंड इंटीजर जो है वो हम लोग असाइन कर ले रहे हैं बी के अंदर। तो अब ये थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा, मतलब अब जहां हम लोग इससे पहले फिक्स वैल्यू दे रहे थे ए और बी में, अब यूजर से इनपुट लेके दे रहे हैं, तो यूजर अपने मर्जी से जो भी वैल्यू डालेगा ना उसको ये चेक करेगा और उसके हिसाब से बताएगा। सपोज हमने ए में 120 डाला और बी में 45 डाल दिया, तो उसके हिसाब से रिजल्ट आपका आ रहा है ना। तो ये आप लोगों का ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट था कंपैरिजन ऑपरेटर का विजुअल बेसिक डॉट नेट में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आप लोगों का कंपैरिजन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।